स्वागत है आपका माई किचन रेसिपीज में। आज मैं एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका मिक्सचर तो एक ही है, कॉर्न और पोटैटो से बना है, पर ये अलग अलग तीन शेप में इसे मैंने बनाया है। चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है एक गर्म पैन में, और 1 प्याज और 1/2 इंच अदरक को मैंने बारीक काट लिया है। इसे हम भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक, अब ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके साथ ही जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्च है ये, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, अमचूर मसाला, और इसे हम जस्ट 1 मिनट तक भूनेंगे। इसके साथ ही इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, 2 से 3 चम्मच टोमेटो सॉस, ये मैंने कॉर्न लिया है ये बॉइल्ड है। इसके साथ ही इसमें हम 4 से 5 बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो ऐड कर लेंगे। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे और 3-4 मिनट तक इसे आप भून लें अच्छे से। देखिए कुछ इस तरह से कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसका, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है ये, जल्दी से बन भी जाता है। ये देखिए ये हो गया। अब मैंने टोस्टर को गर्म होने के लिए दे दिया है और ये 2 ब्रेड मैंने लिया है, इसके ऊपर हम ये मिक्सचर को अच्छे से फैला लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ऊपर से फिर से ब्रेड स्लाइस रख के थोड़ा सा दबा दें इस तरह से, और हम बटर, मेल्टेड बटर इस पर थोड़ा सा लगा देंगे दोनों साइड से, और हम इसे टोस्टर में दोनों तरफ से बेक कर लेंगे। और अपना मनचाहा शेप दे दें, आप जैसा भी खाते हैं, कोई ज़्यादा डार्क खाते हैं, कोई कम लाइट खाते हैं, इसको सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। दूसरा मेथड है ये, हमारे पास आटा है जो रोटी के लिए हम आटा लेते हैं, बनाते हैं, वही आटा है ये। तो उस आटे से आप रोटी बना लें जैसे रोटी बनाते हैं, साइज अब अपने अनुसार छोटी बड़ी है, ये मीडियम साइज की है, करीब इतने आटे से हमारा 3 बन जाएगा। एक तरफ तवा गर्म हो रहा है, चलिए इसको सेक लेते हैं, इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें, और इस पे थोड़ा सा दोनों तरफ से बटर या रिफाइंड ऑयल आप लगा लें इस पे। देखिए अच्छे से सेक लें इसको, हो गया, इसको निकाल लेते हैं। और इस पे हम फिर इसी तरह से दूसरा भी आप बना लें, इस पे हम ये हमारा जो मिक्सचर है उसको अच्छे से पूरे में फैला लेंगे, और इस पे भी चीज़ हम डाल देंगे। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरह से फिर हम इसको रोल का शेप दे दीजिए, और ये हमारा दूसरा मेथड भी रेडी हो गया है, दूसरे तरह का शेप है ये। अब तीसरे में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से टोस्टर में इसको डालना है। तो एक रोटी जो हमारा जैसे बनाए थे सेक लिया, उस पर हमने ये मिक्सचर डाला, फिर उस पर चीज़, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, और इसको हाफ फोल्ड कर लें इस तरह से, दबा दें आप, और इसको हम टोस्टर में दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए बीच में एक बार टर्न भी कर दें। देखिए ये भी रेडी हो गया है, तीसरा भी हमारा रेडी हो गया है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।